हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप घर में हेयर ग्रोथ ऑयल बना सकते हैं। मतलब अगर आपकी हेयर अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर काफ़ी छोटे हो गए हैं या फिर बाल काफ़ी झड़ गए हैं, नए बाल नहीं ग्रो हो रही है, तो आप इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं घर में बनाकर। इसे घर में बनाना बहुत ईजी है और ये बहुत ही इफेक्टिव है आपकी हेयर को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ आपकी हेयर फॉल को ये दूर करेगी और नई बाल आने में मदद करेगी। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप ये ऑयल घर में बना सकते हैं। इस ऑयल के लिए सबसे पहला जो इन्ग्रेडियंट आपको चाहिए वो है एलोवेरा का लीफ। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आपको ईजिली वहाँ से लीफ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 एलोवेरा का लीफ लिया है। इसे आपको सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट लेना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल एलोवेरा का जेल काट लिया है। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है कोकोनट ऑयल या फिर आपकी रेगुलर हेयर ऑयल। आपकी जो रेगुलर हेयर ऑयल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं बजाज आमंड ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ मेरी हेयर पर रेगुलर हेयर ऑयल, तो मैं इसी ऑयल को ही यूज़ करूँगी। आप चाहे तो कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बॉल लेना है और इसमें आपको लेना है आपकी रेगुलर हेयर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। मैंने ऑयल ले लिया है। इसके बाद आपको ये जो एलोवेरा का लीफ मैंने कट के रखी थी पहले इसे ऐड कर देना है। बाद जो रेमेडी हमें लास्ट में ऐड करना है वो है 1 टीस्पून काला जीरा, कलौंजी यानी कि काला जीरा। नाउ इस ऑयल को आपको 10 मिनट तक बॉईल करना है। तो मैं इसे बॉईल करने के लिए ले जा रही हूँ। फ्रेंड्स ऑयल को 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसकी कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह, क्योंकि कलौंजी और एलोवेरा का जितने बेनिफिट्स है जितनी भी एक्सट्रैक्ट और बेनिफिट्स है इसमें आ गई है, इसलिए इसकी कलर चेंज हो गई है। अब इस ऑयल को आपको स्ट्रेन कर लेना है। ऑयल को स्ट्रेन करने के बाद यहाँ पर जो एलोवेरा और कलौंजी है इसे आप पेस्ट करके आपकी हेयर पर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी हेयर काफ़ी शाइनी एंड स्मूथ होगी। तो यहाँ पर हमारी ऑयल रेडी है। आप इस ऑयल को कोई भी एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ इसे यूज़ कैसे करना है। इसे आपको डेली रात को सोने से पहले यूज़ करना है। आपकी हेयर पर इसे अप्लाई करके, स्पेशली स्कैल्प पर इसे अप्लाई करके हल्की हाथों से मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। फिर इसे आपको पूरी रात हेयर पर रहने देना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर को वॉश कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं। इसे आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर चाहे तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेली अगर यूज़ ना कर सकते हैं तो आप इसे एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ कीजिए। इसे रेगुलर यूज़ करने से ये आपकी हेयर को जल्दी बढ़ने में मदद करेगी, आपकी हेयर फॉल को बिल्कुल दूर कर देगी और साथ ही साथ हेयर रूट्स को काफ़ी स्ट्रांग बनाएगी। नई हेयर आने में ये मदद करेगी, नई बाल आने में मदद करेगी, हेयर रिग्रोथ करेगी, साथ ही साथ हेयर को बहुत ही जल्दी बढ़ने में मदद करेगी। अगर आपकी हेयर पतले है तो ये आपकी हेयर को घनी बनाएगी और हेयर की जो रंग है उसे डार्कर बनाएगी नेचुरली। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है, इसे आपको पेशेंसली फॉलो करना है, रेगुलर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार ट्राई किया तो आपकी बाल लंबे हो जाएंगे या फिर आपकी बाल जो है झड़ना बंद हो जाएंगे, नहीं। नेचुरल जो रेमेडीज होती है ये काम करने में थोड़ी वक्त लेती है बट बहुत ही अच्छी असर दिखाती है। तो इसे आपको पेशेंसली फॉलो करना है, कम से कम 1 महीने इसे फॉलो कीजिए। अगर हो सके तो इसे डेली यूज़ कीजिए, अगर नहीं हो सके तो आप एटलीस्ट 3 से 4 बार हफ्ते में इसे यूज़ कीजिए और 1 महीने के बाद फ़र्क देखिए। यह आपकी हेयर को बहुत ही जल्दी बढ़ने में मदद करेगी, साथ ही साथ हेयर को थिक बनाएगी, मतलब घने बनाएगी। फ्रेंड्स ये बिल्कुल नेचुरल एक ऑयल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई प्रॉमिस आप निराश नहीं होंगे, बस इसे आपको रेगुलर पेशेंसली फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे से और वैसे वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर आप ये ऑयल ट्राई करते हैं रेगुलरली 1 महीने तक तो आपका फीडबैक ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।